वेलकम बैक वंस अगेन। इंटरफेस विद पाइथन एंड MySQL के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम देखते हैं कि पाइथन के थ्रू टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो अपन को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उसके लिए हमें कीबोर्ड से डेटा रीड करना है। तो हमने एक स्टूडेंट टेबल ली हुई है जिसमें रोल नंबर, नेम और क्लास तीन कॉलम लिए हुए हैं। ठीक है, इन तीनों कॉलम्स को के लिए डेटा पहले कीबोर्ड से रीड करेंगे पाइथन में, जैसे कि हम विद द हेल्प ऑफ इनपुट कमांड करते हैं, रोल नंबर, नेम और CLS यानी क्लास। ये तीनों रीड कर लिया। रीड करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि इंसर्ट इनटू कमांड का यूज MySQL में डेटा स्टोर करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर वैल्यूज। अब वैल्यूज के अंदर ये देखिए परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज डी का मतलब इंटीजर, परसेंटेज एस का मतलब है स्ट्रिंग और परसेंटेज एस का मतलब भी स्ट्रिंग। मतलब जो रोल नंबर है वो आपका इंटीजर है और नेम है वो क्या है, स्ट्रिंग है, और जो क्लास है वो भी क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये इंसर्ट इनटू के माध्यम से ये हमारा एक रिकॉर्ड जो है वो एंटर होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये कर्सर का एग्जीक्यूट कर लीजिए और बाद के अंदर इसको सेव करने के लिए परमानेंटली कनेक्शन डॉट कमिट ये आपने इसमें करना है। ठीक है, तो चलिए इसको पाइथन के साथ इंटरफेयर करके देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर जो ये हमने किया था, क्रिएट डेटाबेस कर लिया था। तो अब क्रिएट डेटाबेस हो चुका है। ठीक है, क्रिएट टेबल हमारे पास हो चुकी है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी कोड को मैंने कॉपी किया है और यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये मैंने डिलीट कर दी। अब चूंकि देखो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हमें चाहिए, दूसरा कर्सर चाहिए और डेटाबेस को यूज करना ये भी हमें चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद डेटाबेस को यूज करने के बाद हम बाकी का जो काम है वो करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो कोड है मैं यहां से कॉपी करता हूं। ठीक है, ये कॉपी किया और ये पाइथन में यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कोई सिंटैक्स की गड़बड़ है तो वह हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक ही लग रहा है अभी तो। ठीक है, अब एक बार फिर से इस कोड को देख लीजिए। ये कनेक्शन स्टेब ये पाइथन की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। ठीक है, कनेक्टर के द्वारा ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, ये कर्सर क्रिएट हो गया, ये डेटाबेस यूज हो गया, ये रोल नंबर, नेम और क्लास। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे ये आ गए हमारे पास, कीबोर्ड से रीड हो गए, ये स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, जो हमें एग्जीक्यूट करानी है ये स्ट्रिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर उसके बाद इसको कन्फर्म सेव करने के लिए ये कमिट और ये कनेक्शन क्लोज। ठीक है, अब इसको हम रन करवाते हैं। ठीक है जी, शिफ्ट एंटर, रोल नंबर मैंने लिखा 12, स्टूडेंट मैंने लिखा उमेर अली, क्लास सपोज मैंने लिख दिया 12। ठीक है, ये इंटर हो गया। ठीक है, अब ये इंटर हो गया, ये आपको दिखेगा कहाँ। ठीक है, तो MySQL देखिए। ठीक है,
इसके अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये डेटा हमने इंटर कर दिया। ठीक है जी, अब इसके बाद एक बार मैं फिर इसको रन करवाता हूं। ठीक है, रोल नंबर 13, ठीक है, नेम अमन, और ये हमारा क्लास हो जाएगा 10th। ठीक है, ये हो गया। MySQL देखिए, इसके अंदर वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये लीजिए। तो रोल नंबर और नेम सॉरी दोनों रिकॉर्ड इसके अंदर हमारे सामने अवेलेबल है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम दोनों के इसमें MySQL के अंदर डेटा पाइथन के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पाइथन के थ्रू जब डेटा इंसर्ट कर लिया हमने, तो पाइथन के थ्रू ही हम चाहते हैं कि इसमें डेटा देख भी ले। तो डिस्प्ले डेटा जो रिकॉर्ड है वो पाइथन के थ्रू हमें दिख जाए। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रिंग हमारी अभी मैंने MySQL में लगा के दिखाई आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसको मैं पाइथन के थ्रू लगाता हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो गया, फिर इसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे। एग्जीक्यूट कराते ही ये कर्सर के अंदर डेटा स्टोर हो गया है ना, रिजल्ट सीट आ गई इसके अंदर, रिजल्ट सेट में। तो ये कर्सर सेट जो डेटा है वो हम एक TPL ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। इस TPL ऑब्जेक्ट से ये डेटा हमने एक एक कॉलम करके है ना इसके अंदर ले लेना है, रोल नंबर नेम और क्लास के अंदर। ठीक है, और ये रोल नंबर नेम और क्लास डिस्प्ले कराना है, और ये फोर लूप में लिया है। किस में लिया है? फोर लूप में इटरेशन करवाएंगे है ना फोर लूप के अंदर। तो जितना भी इसके अंदर टपल के अंदर डेटा है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके अंदर डेटा है। तो अगर एक रिकॉर्ड है, दो रिकॉर्ड है, ये सारे के सारे स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी करके MySQL में ले जाते हैं। अब MySQL के अंदर हमें ये इतना इतना पोर्शन चाहिए। ठीक है, ये पोर्शन ले लिया और ये यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक है भाई, यूज डेटाबेस तक का इसमें पोर्शन हो गया। अब इसके अंदर से टेबल से डेटा उठाना है। तो टेबल से डेटा उठाने के लिए हमने ये यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब ये इसी की सीक्वेंस के अंदर सारे आने चाहिए। रोल नंबर इसकी सीक्वेंस में ही, क्योंकि ये इंडेंटेशन है, आपको पता ही है पाइथन का, फिर थोड़ा सा भी इंडेंटेशन गलत होते ही ये गड़बड़ कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद जो हम करते हैं, क्या करते हैं, कनेक्शन क्लोज करते हैं। ये कनेक्शन क्लोज, ठीक है जी।
ये कनेक्शन क्लोज कर दी। ठीक है, अब इसको रन करवा के देखते हैं। कोई बात नहीं, हतोत्साहित नहीं होते, एरर आता है तो ठीक भी हो जाएगा। तो ये एरर था इसके अंदर, ये लीजिए जो डेटा हमने MySQL के अंदर था वही डेटा हमारा पाइथन के थ्रू भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये MySQL में डेटा और ये डेटा हमारा पाइथन के अंदर है। ठीक है, और आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंजॉय इट। जब कोई काम करते हैं और वो सक्सेसफुली होने लगता है तो बड़ा मजा आता है, एंजॉय इट। तो चलिए, अब नेक्स्ट के अंदर हम सीखेंगे अपडेटिंग डेटा। तब तक के लिए वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।